और अधिकारी कोई ठोस कदम उठाने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दरअसल एसडीएम ऑफिस के बाहर जहां एक तरफ लोग अपने खेतों के कागजातों को पाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पैसों के दम पर कुछ लोग पलक झपकते ही अपना काम करवा कर निकल जाते हैं। जमीन पर बैठा ये शख्स कोई अधिकारी नहीं बल्कि दलाल है, जो ज्यादा पैसे लेकर काम को आसान बनाने का काम कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दलाली का ये पूरा खेल एसडीएम दफ्तर के नीचे और नायब तहसीलदार के ठीक सामने बैठकर होता है। तो आपको बता दें, हरदोई में जमीनों के दलाल का एक रैकेट चल रहा है, जो आराम से अपने काम को अंजाम दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह कि हरदोई में दलाली पर रोक लगेगी तो आखिर कैसे लगेगी? अधिकारियों की शह पर दलालों की मौज हो रही है। आप पैसे देकर आप भी अपना काम करा सकते हैं, पैसा नहीं तो लाइन में आपको खड़े रहना पड़ेगा। ये बड़ी खबर है हरदोई की, जहां दलाली का काम जोरों पर हो रहा है और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे, कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ठोस कदम उठाने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे। दरअसल एसडीएम ऑफिस के बाहर जहां एक तरफ लोग अपने खेतों के कागजातों को पाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी पारी के आने का इंतजार करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पैसों के दम पर कुछ लोग पलक झपकते ही अपना काम करवा कर निकल जाते हैं। जमीन पर बैठा आप देख रहे हैं ये शख्स कोई और नहीं, कोई किसान नहीं है, ये एक दलाल है, जो ज्यादा पैसे लेकर काम को आसान बनाने का काम कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरा खेल दलाली का ये पूरा खेल एसडीएम दफ्तर के नीचे और नायब तहसीलदार के ठीक सामने बैठकर होता है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे लाइन लगाकर खड़े हैं लोग, लेकिन कुछ लोग अपना काम बहुत आसानी से पैसे देकर करा लेते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है हरदोई से। जी असीम, बताएं क्या है ये पूरा मामला? लगता है संपर्क टूट गया है तकनीकी कारण से। तो आपको बता दें, हरदोई में दलालों का रैकेट जोरों पर है और तमाम किसान लोग अपने खेतों के कागजात को पाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे देकर अपना काम जल्द से जल्द कराकर निकल जाते हैं। एसडीएम दफ्तर के नीचे और नायब तहसीलदार के ठीक सामने बैठकर ये काम होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठाते, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं।